हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं, सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला, उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बैंक पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नव नियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें, ये उचित नहीं है। आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सूची सदा पटल पर रख सकते हैं। मैं पटल पर रखता हूं। निधन संबंधी उल्लेख अच्छा हो, आप निधन संबंधी उल्लेख पर भी इसी तरीके से सदन में हल्ला करें, ये अच्छी परंपराएं मत डालिए आप। माननीय सदन के नेता, आप समझाइए इनको अच्छी परंपरा, निधन संबंधी उल्लेख, आप बैठाइए इनको अपनी अपनी सीटों पर। ओबी चलिए बिठाइए ना आप। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, निधन संबंधी उल्लेख माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 40 पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री इस्कारिया थॉमस छठी और सातवीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने केरल के कोट्टायम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री थॉमस का निधन 74 वर्ष की आयु में 18 मार्च 2021 को कोची में हुआ। श्री हरि नारायण प्रभु 10वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गोवा के पंची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए गोवा, दमन और दीव विधानसभा के सदस्य और गोवा विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने गोवा, दमन और दीव सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री हरीश नारायण प्रभु का निधन 85 वर्ष की आयु में 20 मार्च 2021 को पणजी में हुआ। श्री मुख्तार अनीस जी 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री अनीस ने 4 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में उपमंत्री के रूप में भी कार्य किया। मुख्तार अनीस जी का निधन 77 वर्ष की आयु में 30 मार्च 2021 को लखनऊ में हुआ। श्री श्यामाचरण गुप्ता ने 14वीं
और 16वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बांदा और इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री गुप्ता वित्त अधीनस्थ विधान और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समितियों के सदस्य थे। उनका निधन 76 वर्ष की आयु में 9 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में हुआ। श्री दिग्विजय सिंह 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गुजरात के सुरेंद्रनगर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री सिंह ने इकोलॉजी और पर्यावरण विभाग में उपमंत्री के रूप में भी कार्य किया। इससे पहले वे गुजरात विधानसभा में 2 कार्यकाल के लिए सदस्य भी रहे। श्री दिग्विजय सिंह का निधन 88 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 2021 को वांकानेर में हुआ। श्री अजमीरा चंदूलाल 11वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने तेलंगाना के वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री चंदूलाल मानव संसाधन विकास संबंधी समिति और श्रम कल्याण संबंधी समिति तथा एमपीलेड संबंधी समिति के सदस्य थे। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री अजमीरा चंदूलाल का निधन 66 वर्ष की आयु में 15 अप्रैल 2021 को हैदराबाद में हुआ। श्री बची सिंह रावत 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तराखंड के अल्मोड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री रावत ने रक्षा राज्य मंत्री तथा साइंस और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री रावत इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री बच्ची सिंह रावत का निधन 71 वर्ष की आयु में 18 अप्रैल 2021 को ऋषिकेश में हुआ। श्री जगदीश सिंह राणा 15वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री राणा प्राकलन समिति तथा वाणिज्य संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पहले वे 5 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री जगदीश सिंह राणा का निधन 66 वर्ष की आयु में 19 अप्रैल 2021 को सहारनपुर में हुआ। श्री श्याम बिहारी मिश्र 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बिल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री मिश्र खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति तथा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 1998 संबंधी संयुक्त समिति के सभापति और विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री श्याम बिहारी मिश्र का निधन 82 वर्ष की आयु में 20 अप्रैल 2021 को कानपुर में हुआ। श्री सुरेश पासी 13वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चेल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री पासी विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री सुरेश पासी का निधन 64 वर्ष की आयु में 20 अप्रैल 2021 को इलाहाबाद में हुआ। प्रोफेसर दुखा भगत 13वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने झारखंड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री भगत संचार समिति के सदस्य थे। श्री दुखा भगत का निधन 67 वर्ष की आयु में 23 अप्रैल 2021 को रांची में हुआ। श्री सुग्रीव सिंह 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, उन्होंने उड़ीसा के फूलबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री सुग्रीव सिंह का निधन 57 वर्ष की आयु में 26 अप्रैल 2021 को भुवनेश्वर में हुआ। श्री रामेश्वर पाटीदार 6वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के खरगोन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री पाटीदार पेट्रोलियम और रसायन वाणिज्य अधीनस्थ विधान और प्राकलन समिति के सदस्य रहे। श्री रामेश्वर पाटीदार का निधन 82 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल 2021 को मध्य प्रदेश के धार में हुआ। श्री एम सत्यनारायण राव 5वीं, 6वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे, उन्होंने तेलंगाना के करीमनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे आवास समिति के सदस्य रहे। श्री राव का निधन
87 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल 2021 को हैदराबाद में हुआ। श्रीमती करुणा शुक्ला 14वीं लोकसभा की सदस्य थी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के जांजगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्रीमती शुक्ला कोयला और इस्पात समिति तथा महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति की सदस्य रही। श्रीमती करुणा शुक्ला का निधन 70 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल 2021 को रायपुर में हुआ। श्री एस बी सिंह सिद्धनाल 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने कर्नाटक के बेलगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे रेलवे कन्वेंशन कमेटी के सदस्य थे। उनका निधन 85 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल 2021 को बेलगावी में हुआ। श्री एकनाथ एम गायकवाड़ 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के मुंबई दक्षिण मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री गायकवाड़ विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य, इससे पहले 3 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री गायकवाड़ का निधन 81 वर्ष की आयु में 28 अप्रैल 2021 को मुंबई में हुआ। श्री कमला प्रसाद रावत 8वीं और 14वीं लोकसभा से सदस्य, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री रावत जल संसाधन और श्रम संबंधी समिति के सदस्य थे, इससे पहले वे उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। श्री रावत का निधन 66 वर्ष की आयु में 29 अप्रैल 2021 को बाराबंकी में हुआ। श्री लक्ष्मण गिलवा 13वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने झारखंड के सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री गिलवा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य, इसके पहले बिहार और झारखंड विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री लक्ष्मण गिलवा का निधन 56 वर्ष की आयु में 29 अप्रैल 2021 को जमशेदपुर में हुआ। डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने बिहार के सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे विभिन्न संसदीय समिति के सदस्य रहे। इससे पहले डॉक्टर शाहबुद्दीन बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन का निधन